नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त राकेश। और इस वीडियो के माध्यम से हम आप लोगों को कवि गिरिजा कुमार माथुर जी की रचनाएं, काव्यगत विशेषताएं, भाव पक्ष, कला पक्ष और साहित्य में स्थान दाएंगे। क्या करेंगे? रचनाएं, भाव पक्ष, कला पक्ष और साहित्य में स्थान बताएंगे। तो सबसे पहले गिरिजा कुमार माथुर जी की रचनाएं देखते हैं। तो रचनाएं, कवि जी की रचनाएं हैं मंजी, धूप के धान, नाश और निर्माण। जो काव्यगत विशेषताओं की बात आती है तो जो भाव पक्ष और कला पक्ष होता है उन्हीं से हम काव्यगत विशेषताएं लिखते हैं, या हम कह सकते हैं कि उन्हीं में जो वाक्य होते हैं, भाव पक्ष के वाक्य और कला पक्ष से जो वाक्य निकाल करके काव्यगत विशेषताएं लिख सकते हैं। भाव पक्ष में कवि के विचार होते हैं कि उन्होंने उनके काव्य के अंतर्गत कैसे विचार थे और उन्होंने अपने कैसे विचार काव्य के अंतर्गत रखे हैं। तो गिरिजा कुमार माथुर जी का नाम प्रयोगवादी के रूप में आदर के साथ लिया जाता है। गिरिजा कुमार माथुर जी थे का नाम प्रयोगवादी के रूप में कैसा आदर के साथ लिया जाता है। माथुर जी की गणना नई कविता के प्रमुख कवियों में की जाती है। कैसी? माथुर जी की गणना नई कविता के प्रमुख कवियों में की जाती है। उनकी कविताओं में यथार्थवादी चित्रण सहज रूप में मिलता है। कैसा? उनकी कविताओं में यथार्थवादी चित्रण सहज रूप में मिलता है। कला पक्ष देखते हैं। कला पक्ष माथुर जी की भाषा में विविधता है। कैसी? जो माथुर जी की भाषा है उसमें क्या विविधता है? उनके काव्य में अनुप्यास रूपक अलंकार भी देखने को मिलते हैं। कौन कौन से अलंकार मिलते हैं? अनुप्यास रूपक अलंकार भी देखने को मिलते हैं। माथुर जी ने अपने काव्य में सरल, सहज और प्रभावपूर्ण शैली का प्रयोग किया। माथुर जी ने अपने काव्य में कौन कौन सी शैली का प्रयोग किया है? सरल, सहज और प्रभावपूर्ण शैली का प्रयोग किया है। साहित्य में स्थान। गिरिजा कुमार माथुर जी हिंदी साहित्य के नई कविता के महत्वपूर्ण कवियों में से एक हैं। इसी महत्वपूर्ण कवियों में से एक हैं। माथुर जी का हिंदी साहित्य में महत्वपूर्ण स्थान है। तो आप इस प्रकार से माथुर कवि गिरिजा कुमार माथुर जी का भाव पक्ष, कला पक्ष और साहित्य में स्थान लिख सकते हैं। तो हे गाइज, यदि आप लोगों को हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करें। धन्यवाद।